यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उत्तराखंड सरकार ने अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत की, जिससे प्रदेश की करीब 28 लाख परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इसी योजना के तहत हरिद्वार नगर निगम के जगजीतपुर क्षेत्र में आयोजित कैंप में लोगों के हेल्थ कार्ड बनाए गए। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने कैंप का उद्घाटन किया और लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी भी दी। मोहल्लों में जाकर कहिए कि कोई बचे ना, क्योंकि बहुत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी सरकारी अस्पताल तब भी आपको मिलाकर 28 लाख परिवार पूरे उत्तराखंड के अंदर इससे लाभान्वित होंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या थी पूरे देश के अंदर, क्षेत्रों के अंदर भी, कि जो गरीब आदमी है उनको इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता था, इलाज नहीं करा पाते थे पैसे के अभाव में। तो पूरे देश की जनता के दुख दर्दों को दूर करने का एक ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी उत्तराखंड की सरकार ने किया है। हम हमेशा उनका ये धन्यवाद करते रहेंगे। उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा कि जो गरीब आदमी थे, जो अपने इलाज के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते थे, अक्सर ऐसे होता था कि बहुत से लोग ऐसे थे कि बीमारी होने के बाद वो पैसा ना होने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं होता था, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, वो ऐसे ही मर जाते थे, क्योंकि उनको ना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं है और एक और कदम बहुत अच्छा उठाया है। बहुत लाभ मिला का भाई, देख दवाई दारू सो भी और भाई खाने का जो पूरे हो रहे भाई घरों में, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई।